कैरेक्टर है अपने आप में, और उनका कैरेक्टर अलग है, इनका कैरेक्टर अलग है, उसमें से बहुत से और अहम कैरेक्टर हैं जो कर रहे हैं लोग भी, उनके नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि अब तक कंट्रीज का इन्फॉर्मेशन नहीं आया था। और मैं तमिल में कर रही हूँ अवर्थिकाल, उसमें मैं एज अ लीड कर रही हूँ, और हिंदी में मेरी एक इस फिल्म के अलावा एक और फिल्म कर रही हूँ इश्कम, जिसमें मैं इंदर कुमार की वाइफ हूँ और आर्यवंत मेरे बॉयफ्रेंड है, और एक मैं फिल्म कर रही हूँ तेरे फितरम जो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है और आप लोगों के सामने बहुत 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 जल्दी आ जाएगी। थैंक यू सो मच। इत रामनाथ गुप्ता है, मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ, रामभजन जिंदाबाद, जिसमें ओम पुरी, कुलभूषण खरबंदा, जाकिर हुसैन, श्वेता भारद्वाज, जगदीप जाफरी, अभय जोशी, ये लोग आपको देखने को मिलेंगे। ये एक पॉलिटिकल सटायर फिल्म है और ये फिल्म एक पुतैये की लाइफ पे स्टोरी है जो यूपी बाराबंकी में हम लोगों ने शूट किया है, और इसको अभय जो है NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से है। जब मैंने उनको कास्ट किया था तो अलग ही लुक था, मैंने कहा यार एक पुतैये का है कैरेक्टर, तुम कैसे करोगे? तो बोला आप मुझे मेरे पे ट्रस्ट करते हो तो मुझे थोड़ा टाइम दो। मैंने कहा अपने पास अभी 6-7-8 महीना है, तुम कर लोगे? बोला कर लूँगा। इसने 3 महीने में 20 किलो वेट लूज़ किया, और इसका ड्यूटी था सुबह से जाना अपना एक कैरेक्टर को देखना, जो पुतैया कैरेक्टर जो मजदूर होते हैं, इनके साथ बैठना, गप्पे करना, इनको ऑब्जर्व करना। जब आप अभी ट्रेलर आपने देखा होगा, बिल्कुल पहचान में नहीं आता है। तो बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म था, रियल लोकेशन में किया है शूट। इस फिल्म में आपको कोई सेट नहीं है, जहाँ पे एक होता है सेट नहीं है, सब रियल लोकेशन पे। कुल जी को आप कमाल की कॉमेडी करते हुए देखेंगे इस फिल्म में। कुल जी का कैरेक्टर जो महाराजा साहब है, जो कमाल का कैरेक्टर है। जगदीप साहब को आज तक आपने कभी कोई ठाकुर के रोल में नहीं आपने देखा होगा, बंदूक लेके तान के बंदूक मारना, गोली मारना, फाइटिंग, वो अलग ही वे पे शूट है। जगदीप साहब को मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट ये था कि बम्बई से लखनऊ ले जाना बहुत डिफिकल्ट था। उन्होंने कहा कि रंजीत मैं तो चले तो जाऊँगा, लेकिन शाम में रात में शूट कर नहीं मैं पाऊँगा। मैंने कहा सर मेरे साथ तो आपको रात में ही करना पड़ेगा शूट। 6 बजे के बाद उनको ही इज़ वेरी ओल्ड एंड ही इज़ वेरी रिस्पेक्टेड मैन आई रियली, और 6 बजे के बाद मेरे लिए डिफ़िकल्ट था उनको डायलॉग याद करवाना और वो मोमेंट ओवर देना। तो बहुत ही, लेकिन जगदीप साहब ने जो रात का सीक्वेंस ओवर किया है ना, सुपर। चैलेंज था, लेकिन चैलेंज के साथ में मुझे अच्छा गाइडेंस था रंजीत जी का, उन्होंने मुझे अच्छे से फीड किया था, जैसा उन्होंने बताया मैंने लगातार जाके ऑब्जर्व किया। और ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग है, आपको एक प्रोसेस सिखाते हैं वो कि कैसे कैरेक्टर को करना है, कैसे उसको कंसीव करना है, कैसे पोर्ट्रे करना है। स्क्रिप्ट से पहले बहुत सारी प्रिपरेशन होती है, स्क्रिप्ट के बाद होती है। जैसे लोग कहते हैं एक्टिंग इज़ बिटवीन द लाइन्स, इट्स नॉट अबाउट द लाइन्स। लेकिन अच्छा गाइडेंस अगर आपको मिलता है, अगर आपको सीन जो आप कंसीव करते हैं उसके बाद आपके डायरेक्टर इतने अच्छे हैं जो आपको ऐसे समझाते हैं, तो एग्जैक्टली उनको पता होता है कि एक्टर से क्या चाहिए। जब ये बात जब सॉल्व हो जाती है तो परफॉर्म करना ज़्यादा आसान हो जाता है, वो चैलेंजेस जो होते हैं धीरे धीरे वो कम्फर्ट में कन्वर्ट होने लगते हैं। ये नहीं, टनकपुर पॉलिटिकल सटायर था, पर टनकपुर ना अलग वे पे है, ये फिल्म अलग वे पे फिल्म है। जो है हमारे गवर्नमेंट ने हमें जो भी फैसिलिटीज दिया है हमारे पब्लिक के लिए दिया है, लेकिन हम लोग कितना उसको यूज करते हैं, कितना मिसयूज करते हैं, इस पे एक सटायर है। क्योंकि आज के डेट में जो भी चीज़ बनाता है गांव में, कोई अगर नरेगा का प्लान बनाया या फलाना कुछ भी बना दिया, हमारे फैसिलिटीज बनाए, लेकिन हम कितना उसको मिसयूज करते हैं। उसको हम प्यार से बताने की कोशिश की, कोई किसी की ब्लेमिंग नहीं, उसको एक प्यार से बताने की, भाई ये आपके लिए है, ये सरकारी सामान है, ये सरकारी चीज़ें हैं, आपके लिए है, और आप कैसे उसको यूज़ लेकिन मतलब जैसे सरकारी योजनाएं होती हैं, जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने बहुत साल पहले बात की थी कि हम 1 रुपये रवाना करते हैं यहाँ से, और आपके पास पहुँचते हो 5 पैसा 15 पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही क्योंकि सरकार की कुछ योजनाएं हैं आम आदमी के भले के लिए, कुछ विक्टिम्स के लिए जो डिफरेंट डिजास्टर के शिकार होते हैं, सरकार ने जो उनके लिए योजनाएं बनाई, लेकिन सरकारी लोगों के बीच के थ्रू से गुजरते हुए, बीच के दलालों से गुजरते हुए, जो मेन आदमी है जिस तक पहुंचनी चाहिए सारी सुविधा, वहां तक पहुंचते पहुंचते अर्थ का अनर्थ हो चुका है। लेकिन क्या आपको कोई रियल लाइफ इंस्पिरेशन से मिलने फिल्म बनाने के लिए, मतलब क्या ये फिल्म था? नहीं, ये फिल्म जब मैं बनाना राइटिंग स्टार्ट किया था, विशाल विजय कुमार ने लिखा है, बहुत अच्छे राइटर है, उन्होंने टाइम्स मां लिखा है, नेशनल अवार्ड मिला है फिल्म को,
तो जब फिल्म लिखना स्टार्ट किया विशाल ने, तो मैंने एक यूपी भी घुमा था, पूरा यूपी घुमा था, तो मैंने कुछ ऐसे कैरेक्टर्स मिले थे मेरे को जो मुझे ऐसा लगा कि बस यही रामभजन है और यही प्ले अभी करना है। एक रियल इवेंट, एक रियल स्टोरी भी है, एक रियल चीज़ है जो मैं मिला हूँ इस बंदे से, जो मैंने इस बंदे की स्टोरी पढ़ी, जो उसकी सामने देखा मैं, और बस वही चीज़ें लेके मैं हम विशाल के साथ बैठा, विशाल ये चीज़ें हैं और इसको लेके बनाना है। कुलभूषण खरबंदा जी हैं, रघुवीर साहब हैं, ये हमारे लिए बहुत सीनियर, और उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और बहुत ही कोऑपरेट किया लोगों ने, और बस उनके शुक्रगुजार हैं कि अच्छा प्रोजेक्ट दिया है उन्होंने और अच्छा काम किया। ये एक पॉलिटिकल सटायर है, तो जब फिल्म रिलीज होगी, जब दर्शक देखेंगे इस फिल्म को, जो भी होता है पॉलिटिक्स में जो इन्वॉल्व होता है, उन्होंने सोसाइटी को जैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, पॉलिटिशियन सबके बारे में कुछ एक्सप्रेशन लेंगे, लोग कुछ समझेंगे इस बात को। डेफिनेटली इसका रामभजन जिंदाबाद का जो मेन थीम है वो यही है कि सारी दुनिया तो ले रही है, पैसा लूट रहे हैं लोग, करप्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन हर इंसान जो है उंगली उठाता है दूसरों पे, ये उसने करप्शन किया, इसने इतना पैसा लूटा, उसने पैसा लूटा, लेकिन उसके अंदर सबसे पहले तीन उंगली अपने ऊपर भी जाती है कि अगर हमने आज उनको इस ब्लैक नहीं बनाया होता ना, तो शायद ये लूट नहीं करते। तो सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए कि भाई हम बदलेंगे तो ही जग बदलेगा। और प्रोड्यूसर के तौर पर किस तरह फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट आप सपोर्ट करेंगे, किस तरह के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे आप? डेफिनेटली मेरी जो सोच है या जो भी हमने बड़ों से सीखा है या जो भी है, वो ये है कि मैसेज हम दें पब्लिक को, और एंटरटेनमेंट भी हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैसेज हो, लेकिन आजकल जो भी है टाइम पास वाला मामला नहीं है, लोग 200-250 रुपये खर्च करके आते हैं, तो डिफरेंट को मदद भी आना चाहिए, तो वनडे रखें, लेकिन साथ साथ दुनिया को मैसेज भी दें, क्योंकि बड़े बूढ़े हमारे बोल के गए हैं कि भाई फिल्म जो है वो समाज का आईना होती है, तो समाज का आईना होती है, तो समाज को हम वो दिखाएं जो समाज करना चाहे, यदि वही करेगी तो हम दिखाएंगे, या हम लोग जो भी हमारे इंडस्ट्री वाले हैं, और उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसी मैसेज ना दें जिससे कि समाज हमारा नीचे की तरफ जाए और समाज को सीखने को मिले, बस यही हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, और हमारे जितने भी बड़े सीनियर बड़े बूढ़े हैं, और इस फिल्म के जरिए भी हमने यही कोशिश की है कि समाज को सुधारने के लिए उनका एक मैसेज आए कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, और अगर हम लोग यही सोचेंगे कि हम लेंगे तो सारी दुनिया लेगी। थैंक्स।